ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਖੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਪੀਓ, ਕਾੜਾ ਪੀਓ। ਕਾੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। हाँ, काढ़े में लेके बड़े सारे सवाल होंगे ने, क्योंकि देखो आयुर्वेदिक जड़ी जड़ी बूटियां होंदिया ने वो बहुत बेनिफिशियल तो होंदिया ने, पर कई बार की होंदा है उन्होंने जड़ी तसीर होंदी है वो कई बार गर्म होंदी है, तो काढ़े लोग कई बार जी ज्यादा पा के ते बहुत हाई क्वांटिटी में बना के ते बार बार पी लेंगे, तो फिर सड़ा पै जाता है अंदर, गर्मी भी लगनी कई बार शुरू हो जाती है। सो मैं ये कहना चाहता जी हाँ जी कि जी उपर हमने आप डाइट बारे गल की, ये बहुत सिंपल डाइट हैगी, इन्हू फॉलो करके तुसी अपने बुखार नू बड़ी आराम नाल ठीक कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर ठीक मान है लो बुखार ज्यादा जा रहा है या खांसी जुकाम हो गई है, तो रेशा भरिया हुआ है, तो थोड़ी बॉडी तो थोड़ी गर्माइश की भी लोड़ है, तो उस केस विच तुसी दिन विच दो बारी डाइट के अलावा दिन विच दो बारी सवेरे शाम एक एक कप काढ़ा भी पी सकते हो। और काढ़ा किस चीज का होना जी चाहिए है, वही ही साड़ी जड़ी जड़ी बूटियां ने, जिवें अदरक हो गई, तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, काली मिर्च, लौंग, हल्दी, ये सारी चीजें लेके तुसी अपना काढ़ा बना के इनू दिन विच एक एक कप दोवें सवेरे शाम पी सकते हो, तुहानू फायदा ही करेगा। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी जी तकलीफ होर देवांगी सानू कि काढ़े दे तुसी ये जिहड़े हैगे ने कुदरती जिहड़ियां चीजां ने दसियां ने कि इन्हां दा काढ़ा आपां बना सकदे हां, इहनू बनाउण दी वी विधि दस सकदे हो तुसी 1 मिंट दे विच, कईआं नूं नहीं पता हुंदा। हाँ, बनाने की विधि इस प्रकार होती है कि छोटा टुकड़ा अदरक का लिया, वो 8 तो 10 पत्ते तुलसी दे ले, 3 4 काली मिर्चा लिया, तो इस प्रकार तुसी अपने एक आधा चम्मच एक चम्मच हल्दी का लिया, उन्होंने एक आधे लीटर पानी में पा के उन्होंने बॉयल से लाता, जब पानी आधा रह गया तो उन्होंने कप में ट्रांसफर करके सिप 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 करके पी लिया। सिप सिप करके इस करके पीना है, और ता पीना है जब गर्म हो, क्योंकि जिस वे गर्म होएगा तो यदि गर्माइश जड़ी हैगी और थोड़ा रेशा जड़ा है उन्होंने पिघलाने में भी हेल्प करेगा, और सिप करके इस करके पीना है, क्योंकि लग लग के जो अंदर जाएगा तो ज्यादा बेनिफिट करेगा इंस्टेड ऑफ की गटक गटक के। और यही गल मैं पॉइंट दोबारा दसना चाहता कि जी नारियल पानी वाली डाइट असी दसी है, वो भी नारियल पानी को गटकना नहीं है, नारियल पानी को आराम नाल सिप सिप करके पीना हैगा टाइम लगा के। जी। सो डॉक्टर साहब, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਪ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हाँ, ज्यादातर चीजा ऐसे प्रकार पीनिया चाहिए ने, चाहे पानी की गल हो, चाहे कोई जूस की गल हो, कोई स्मूदी की गल हो। कारण यह है कि देखो जिस वेले मान लो आप खीरे का जूस बनाया, मान लो है ना, सो जी आप खीरे नु खाना सीगा उसनों आप चबांदे, जे आप चबांदे तो साढ़े मुंह ना सैलिवरी ग्लैंड्स ने जिदों सलाइवा निकलता है, जी थूक निकलती है, ये जी थूक होंगी है जी सलाइवा होंगी है, ये साड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, सानू हेल्प करता है खाने को चंगी तरह पचाने वास्ते, ते अपने आप विच भी ये एक गुणकारी पदार्थ होंगे, जब आप इन्हें चबाते हैं तो जी यह साढ़े भोजन के नाल अंदर जाता है, तो साढ़े अंदर जाके सानू फायदा करता है, सानू पचाने विच हेल्प करता है। सो जब आप गड़गड़ करके पी जाते हैं कि सानू वो वाली चीज नहीं मिलती, सो जब आप मुंह रख के मान लो आप एक घुट भरिया नारियल पानी का, तो उन्होंने मुंह में जी इदा घुमाया, तो वो साड़ा उस लग के अंदर जाएगा, ज्यादा बेनिफिट करेगा, ज्यादा फायदा करेगा।